अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट कर फिर से अपनी यात्रा को हवा दे दी है। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा को लेकर लिखा है, एक इंसान तभी कैलाश जाता है जब उसे यहाँ से बुलावा आता है। मैं काफी खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जो भी मैं यहाँ देखूंगा वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक झील की फोटो शेयर करते हुए लिखा है, मानसरोवर झील का पानी काफी शांत है, यह सिर्फ देती है, कुछ मांगती नहीं। कोई भी यहाँ से पानी पी सकता है। यहाँ पर किसी तरह की नफरत नहीं है, यही कारण है कि हम इस पानी की पूजा करते हैं। नेपाली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1 बजे रवाना हुए थे। गौरतलब है कि 26 अप्रैल को कर्नाटक की यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान बाईं ओर तेजी से झुक गया और तेजी से नीचे आने लगा था। इसके बाद हालांकि विमान संभल गया और सुरक्षित नीचे उतरा। इसके 3 दिन बाद 29 अप्रैल को गांधी ने एक रैली के दौरान कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।